मैं आयुष अग्रवाल आज जो कहानी आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ वो कहानी है पर्यावरण के संरक्षण की। वो कहानी है डूबते हुए शहर के बचाव की। वो कहानी है राज्य और राष्ट्र के टकराव की। वो कहानी है 12 सालों के संघर्ष की। कहानी है शांति घाटी की। ये बात 40 साल पहले की है। साइलेंट घाटी एक विशाल जंगल है जो केरल के पालघाट जिले में स्थित है। इस जंगल में कुंथीपुझा नदी मुख्य रूप से बहती है। 1928 में कुंथीपुझा नदी के निकट सेरंद्री स्थान को राज्य सरकार ने बिजली उत्पादन के लिए चिन्हित किया। यह जगह उनको बिजली उत्पादन के लिए आदर्श लगी। 1970 में केरला राज्य विद्युत बोर्ड ने इस स्थान पर जल विद्युत बांध यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बनाने का प्रस्ताव रखा, जिससे 8.9 किलोमीटर का क्षेत्र पानी में डूब जाता। योजना आयोग ने इस बांध को बनाने के लिए 25 करोड़ की धनराशि भी स्वीकृत कर दी थी। और यहां से होती है एक ऐतिहासिक आंदोलन की शुरुआत। जैसे ही बांध बनने की घोषणा हुई, लोगों ने उसका विरोध शुरू कर दिया। शांति घाटी अपने हरियाली, पेड़ पौधों और जंगल के लिए जानी जाती है। यह क्षेत्र जैव विविधता से भी संपन्न है। शांति घाटी में लंबी पूंछ वाले मकाक बंदर भी पाए जाते हैं, जिनको दुर्लभ प्रजाति समझा जाता है। इसलिए लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। रोमिलस विटाकर, जिन्होंने मद्रास सर्प उद्यान की स्थापना की थी, उन्होंने सबसे पहले बांध योजना का विरोध करना शुरू किया। 1977 में केरला वन रिसर्च संस्थान ने सर्वे करना शुरू किया कि बांध बनाने के बाद पर्यावरण को कितना नुकसान होगा। शांति घाटी को बचाने के लिए केरला शास्त्र साहित्य परिषद ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कई पब्लिक मीटिंग की। इसमें लोगों को बांध बनने के बाद पर्यावरण को होने वाले नुकसान के बारे में विस्तार से जानकारी भी दी। सुगाथा कुमारी, जो केरला की एक विख्यात कवित्री थी, वह भी इस आंदोलन में जुड़ गई। उन्होंने शांति घाटी बचाओ का नारा भी दिया। शांति घाटी को बचाने के लिए उन्होंने कई कविताएं भी लिखी, जिन्होंने आंदोलन में लोगों को जागरूक किया। डॉक्टर सलीम अली, जो एक प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी थे और मुंबई नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के सदस्य थे, उन्होंने इस जल विद्युत बांध परियोजना को बंद करने की अपील की। शांति घाटी के पेड़ों को काटने को रोकने के लिए केरला हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, जो एक जाने माने कृषि वैज्ञानिक थे और कृषि विभाग के सचिव थे, उन्होंने शांति घाटी को एक आरक्षित पर्यावरण पार्क बनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि शांति घाटी के 9 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र और इससे लगे हुए क्षेत्रों को मिलाकर एक प्राकृतिक पार्क बनाने की बात है। 1980 जनवरी महीने में केरला हाईकोर्ट ने फिर से शांति घाटी के पेड़ों को काटने की अनुमति दे दी, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने केरल सरकार से इस जल विद्युत परियोजना को बंद करने की बात कही। उन्होंने कहा कि इस पर विस्तार से विचार करना चाहिए, उसके बाद ही बांध बनाना चाहिए। 1982 में एक कमेटी बनाई गई, जिसके चेयरमैन एनजीके मेनन और माधव गडगिल को बनाया गया। कुछ अन्य लोग इस कमेटी में शामिल थे। 1983 में मेनन कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट को अच्छी तरह पढ़ने के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने शांति घाटी में बनने वाले जल विद्युत बांध परियोजना को बंद करने का आदेश दे दिया। 15 नवंबर 1984 इस दिन को इसे एक राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे दिया गया और इसे संरक्षित पार्क बना दिया गया। वो कहते हैं ना, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। यही हुआ।
यही हुआ केरल में भी। लोगों ने हार नहीं मानी और अंत में 7 दिसंबर 1985 को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने शांति घाटी नेशनल पार्क का उद्घाटन किया और सैरंद्री में इंदिरा गांधी का स्मारक भी इस पार्क में बनाया गया। वर्तमान में यह घाटी नीलगिरी जैव विविधता पार्क के अंतर्गत संरक्षित कर ली गई है। धन्यवाद।